Hello viewers, welcome to my channel. Today we are going to make notebook. एक A4 शीट लेंगे, इसे दो बराबर हिस्सों में काट लेंगे, इस तरह से. अब इसे मिड में से डबल फोल्ड कर देंगे. इसी तरीके से हमें 20 शीट्स तैयार करनी है. ये देखिए इस तरह से. अब इनको बराबर करते हुए एक साइड से क्लिप लगा लेंगे. जो साइड ओपन है उस साइड से क्लिप लगा देंगे और जो क्लोज साइड है उस साइड से इसे पेस्ट कर देंगे. एक कार्डबोर्ड का पीस लेंगे, उसे इस तरह से मार्किंग करनी है कि ये शीट्स से हाफ सेंटीमीटर एक्स्ट्रा लेते हुए साइड वाइज तीनों साइड्स से, थ्री साइड्स से हाफ हाफ सेंटीमीटर एक्स्ट्रा लेते हुए कटिंग कर लेनी है. मार्किंग बनाते हुए दो इक्वल साइज के पीस काट लेने हैं. इस तरह से दो इक्वल कार्डबोर्ड के पीस कटिंग करके निकाल लेंगे हम. एक शीट का पीस लेंगे और इस तरह से इसे फोल्ड करेंगे. ये हाफ से थोड़ा सा कम लेते हुए इस तरह से फोल्ड कर लेंगे. एक साइड एक्स्ट्रा होनी चाहिए, एक साइड लेस, इस तरह से. इसी तरीके से दूसरी साइड से भी फोल्ड करेंगे. अब इस पे कार्डबोर्ड के पीसेस को पेस्ट कर देंगे. इस तरह से कार्डबोर्ड के दोनों पीस शीट के साथ पेस्ट कर देंगे. प्रिंटेड शीट लेंगे और जो कार्डबोर्ड का बैक साइड जो खाली है उसे कवर करते हुए पेस्ट करेंगे इसे पूरा. जो एक्स्ट्रा साइड्स बची हुई हैं इन्हें फोल्ड करके अंदर की साइड पेस्ट कर देंगे. इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे सभी कॉर्नर्स को और इसे ग्लू की हेल्प से पेस्ट कर देंगे. अब इस कार्डबोर्ड कवर के साथ मिड में जो सारी शीट्स हमने तैयार की थी मिडल पोर्शन में से पेस्ट करेंगे. इस तरह से. और इसका फर्स्ट पेज को कार्डबोर्ड के कवर के साथ इस तरीके से ग्लू लगा के पेस्ट कर देंगे. इसी तरीके से लास्ट पेज को भी ग्लू लगा के पेस्ट कर देंगे कवर के साथ. ये अच्छी तरह से पेस्ट हो गया है. ये हमारा नोटबुक तैयार है. इस तरह से आप इजीली घर में नोटबुक अपने लिए तैयार कर सकते हैं.